क्या हमारी पास जनरेशन्स के नेगेटिव ट्रॉमास या फिर उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन में हमें अफेक्ट करते हैं और क्या करना चाहिए उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आज मैं बात करूंगी इन पास्ट जनरेशन्स ट्रॉमास की और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं मानसी और मैं हूं लाइफ एंड माइंडसेट कोच मैं आपकी लाइफ में वो स्मॉल चेंजेस करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताने आती हूँ और मैं क्योंकि एक हीलर भी हूँ तो मुझे पता है कि ये सारी पास यू नो ट्रॉमास ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स हमें किस हद तक नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं तो नमस्कार वेलकम टू दिस वीडियो लेट्स बिगन इट एक्चुअली बहुत टाइम से uh, मेरे सेशंस में जैसे हम बात करते रहते हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैंने सुने हैं और गो थ्रू किए हैं देखे हैं बहुत क्लोजली तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरी एक स्टूडेंट का जो शी वॉज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस इन हर फाइनेंशियल सिचुएशन तो उसकी बार बार जॉब लगती थी एंड जॉब लगने के बाद उसकी शी वॉज नेवर हैप्पी इन हर जॉब और फाइनेंशियली वो uh, नहीं कर पाती थी कैरी फॉरवर्ड उस जॉब को फाइनेंशियली उसको लगता था कि या तो शी वॉज गेटिंग लेसर दैन हर वर्थ या फिर वो हैप्पी नहीं रह पाती थी तो आ, बहुत साल हो गए ये सिनारी चलता गया और वंस शी डिस्कस्ड वेन वीवर आस्किंग हर की जनरेशनल ट्रामा ये होता है जब उससे डिस्कशन हो रही थी देन शी टोल्ड मी कि उसके दादाजी वॉज़ हैविंग सम प्रॉपर्टी एंड जिसपे उन्होंने कुछ लोन लिया था एंड वो लोन वो रीपे नहीं कर पाए थे और उस लोन को ना रीपे करने की वजह से उसकी जनरेशन्स ने वो पे करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स सफ़र करी और उस सिनेरियो में आज की डेट तक उनकी जनरेशन्स पास जनरेशन्स पेरेंट्स की जनरेशन और वो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास से रिलेटेड होती है अगर बहुत ज़्यादा डीप पैटर्न है आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेके के मैरिज और मे बी और हेल्थ तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है कि वो हमारी पास जनरेशन्स से खिंचा चला आ रहा है पास जनरेशन्स का ये ट्रॉमा सबकॉन्शियस माइंड से हम जब पैदा होते हैं तब हमारे माइंड में वो ट्रॉमास के डेटा स्टोर्ड होता है सो वी कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट सच सिचुएशन जब हमें भी वो ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स देखने को मिले अपनी लाइफ में तो तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जनरेशनल ट्रॉमा एग्जिस्ट होता है और ये लाइव एग्जांपल है इस ट्रॉमा का सिमिलरली अगर ग्रेट uh, ग्रैंडफादर या फिर कोई बहुत ज़्यादा नानी uh, पर नानी के यू नो रिलेटिव्स और कहीं पर भी अगर आपकी फ़ैमिली में आपकी या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में दे आर नॉट हैप्पी इन देर मैरिज मैरिड लाइफ दैन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनके सन डॉटर की लाइफ या फिर उनके जेनरेशन की लाइफ फिर आपकी जनरेशन की लाइफ में ये प्रॉब्लम आए ज़रूर ये पॉसिबिलिटी होती है सो so, इसको कैसे इसका हम कैसे निवारण करें इसको कैसे हम हटाएँ अपनी लाइफ से सबसे पहले तो जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं अपने सेशंस में वो बहुत पावरफुल वे है इस चीज़ को हटाने के लिए बट एक बहुत पावरफुल प्रेयर uh, है जो मैं हर रोज़ uh, अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये हर रोज़ आपको बोलनी है अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है आपकी एनर्जीज़ आपके आसपास ऐसी है कि आप पास्ट के ब्लॉकेजेस लेकर बैठे हैं आपको पैटर्न्स दिखते हैं लाइफ में कि सो द प्रेयर गोज़ लाइक दिस डियर डिवाइन क्रिएटर Let's do it right now. Dear Divine Creator, Father, Mother, Son, Daughter, as one. If I, my family, my ancestors, or anybody in my relatives have offended you, your family, your ancestors, or your relative in any form, in any negative energy, then I ask for your forgiveness. This is done. All the negative energies are immediately converted into pure divine light, and it is done. So say it every day when you begin your day. meditation दो मिनट लगेंगे इस प्रेयर में जस्ट इट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स लाइक अ मेरिकल या आपकी लाइफ में ज़रूर वो चेंजेस लाएंगे जिसमें आपकी वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर्स यू नो फोर फादर्स जो भी पास जनरेशन्स हैं देम दे विल फील हैप्पी एंड दे विल फील टू गिव यू ब्लेसिंग्स बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर देयर ब्लेसिंग्स एंड फॉरगिवनेस थैंक यू आई होप ये वीडियो में uh, कुछ आपके लिए लर्निंग क्रिएट करी हो और अगर इसने कुछ लर्निंग क्रिएट करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उस पर्सन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आपको लगता है कहीं ना कहीं फंसा है थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लेसिंग्स इन यूनिवर्स